पब्लिक टीवी आपकी आवाज। एक ओर जहां केंद्र और प्रदेश सरकार लोगों को शिक्षित बनाने के लिए कितनी योजना चलाकर शिक्षित बनाने पर जोर दे रही है, तो वहीं शिक्षा विभाग में तैनात सरकारी टीचर अपनी ड्यूटी को खेल समझ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जनपद के मुंडा पांडे ब्लॉक के गांव नरखेड़ा का, जहां पर प्राथमिक विद्यालय मात्र एक शिक्षा मित्र के सहारे चल रहा है। इस विद्यालय में लगभग 250 बच्चे हैं और इस विद्यालय में चार चार शिक्षकों का स्टाफ है, मगर तीन शिक्षक अधिकांश मेडिकल लीव पर रहते हैं और अकेली एक शिक्षा मित्र इन बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही है। शिक्षा मित्र के पास बीएलओ का कार्य भी है, जिसके चलते शिक्षा मित्र दोहरी जिम्मेदारियों का अकेले ही सामना करना पड़ रहा है। मुंडा पांडे ब्लॉक के गांव नरखेड़ा में स्थित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा सभाहत अनिका रानी, अमृता रानी और शिक्षा मित्र साहिबा की तैनाती है, मगर अधिकांश शिक्षाएं मेडिकल लीव पर रहती हैं और एक शिक्षा मित्र साहिबा ही स्कूल की कमान संभाले हुए है। शिक्षिकाओं के अनुपस्थित रहने पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं। अकेली एक शिक्षा मित्र बच्चों को कैसे संभाल सकेगी? ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को आखिर कैसे शिक्षक बनाया जाएगा, जब शिक्षक ही मेडिकल लीव पर रहते हैं। जब इस बाबत खंड शिक्षा अधिकारी उमेंद्र दत्त त्रिपाठी से बात की गई, तब उन्होंने बताया कि बीमारी के चलते अध्यापक छुट्टी पर गए हुए हैं, जिसकी वजह से स्कूल में एक ही शिक्षा मित्र है। स्कूल में बच्चे ज्यादा होने के कारण ही परेशानी हो रही है। मुंडा पांडे में ऐसे दर्जनों स्कूल हैं जहां पर शिक्षक ज्यादातर छुट्टी पर रहते हैं, जिसकी शिक्षा अधिकारी भी अनदेखी कर रहे हैं। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? प्राथमिक विद्यालय नरखेड़ा। नरखेड़ा। कौन से क्लास में बेटा आप? दो। दो में। आपकी मैडम कब से नहीं आई है? 10 दिन हो गए। अच्छा, क्यों नहीं आ रही? कौन से स्कूल में? प्राथमिक विद्यालय नरखेड़ा। किस पद पे? शिक्षा मित्र। यहाँ पर कितने बच्चे हैं? 228। आज कितने आए थे? 50 बच्चे। 50 आए थे आज। अच्छा, यहाँ पर जो मैडम है वो कब से हैं? दो तीन टीचर हैं, जो तीनों मेडिकल पे हैं और मुझे मिला कर 4 टीचर हैं। मेडिकल इनका उपस्थित है यहाँ पर? हाँ, 2 टीचर का उपस्थित है। कब से? एक तो अक्टूबर से चल रही हैं और एक अमृता कल से चल रही हैं। क्या परेशानी है मेडिकल लगा रखी है? सर पता नहीं, बेड रेस्ट, डॉक्टर के द्वारा उनका कागज़ जमा है बेड रेस्ट का। अच्छा, पेपरों में कोई एब्सेंट है उनके लिखा हुआ? पेपर में हाँ मेडिकल लिखा हुआ है उनका। अनिका मैम जो है मेटर्निटी लीव पे हैं। अच्छा, बच्चे स्कूल पे चढ़ रहे हैं, ये इसका अगर चोट लगती है इनके या कोई मृत्यु हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? सर मैं तो बीएलओ में हूँ, इसलिए मैं विकलांग की सूची बना रही थी। अभी सुपरवाइजर यहीं से गए, इसलिए बच्चे शायद छत पर चढ़ गए होंगे। इनकी देख रेख के लिए यहाँ पर कोई नहीं है आपके अलावा? सर फिलहाल तो मैं ही हूँ उपस्थित। अच्छा, 228 बच्चे हैं तो इतने कैसे कंट्रोल कर रहे होगा आप? सर बस जैसा कर रही हूँ कर ही रही हूँ। अधिकारी से कोई शिकायत नहीं करी इसकी? मैं अकेले यहाँ पर। सर वो लोग मेडिकल पे हैं, मैं किससे क्या करूँ? शिक्षा मित्र का तो वैसे भी मामला गड़बड़ी चल रहा है।